बात है ये, यहाँ जितना केयर करते हैं अपनी इस बेटी का जो बेटी प्रेगनेंसी की हालत में हो, रात बाद अंश कर इसका पता जी। हाना ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला ने अपने शौहर से कहा, कुछ दिन का था मैं अपने अबाजान के पास मदीना शरीफ जाऊंगी। अबुल आक शरीफ आदमी समझदार था, उसने कहा मैं पैसे पान से सेठ यून मगर बहन से सेठ यून, तुमको पता है मक्का मुकरमा के हालात कैसे हैं और मुझे निकलने नहीं देंगे यहाँ से, और अगर मैं तुम्हारे साथ आया फिर तो तुमको भी नहीं जाने देंगे, इसलिए सुनियर सब सब रुकाव नहीं ना अलबत्त बहन से सेठ यून बकार सोरे इंतजार। चुनाचे अबुल आस ने शौहर ने अपनी बीवी के सफर के सारे इंतजाम किए, गाड़ी का इंतजाम किया, उस जमाने में गाड़ी ऊंट होता था, ऊंट का इंतजाम किया, ऊंट चलाने वाला काबिले एतमाद आदमी साथ दे दिया, खाने पीने का रास्ते का सारा सामान किया, भाई ये सारी चीजें मुहैया करने के बाद काठी कल से तैयारी, बाकी इंतजाम मुकम्मल, इंतजाम मुकम्मल है। बहरहाल हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला की जब तैयारी शुरू की, मक्के में खबर फैल गई, क्या सर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ज़ैनब मक्का से मदीना जाना चाहती है। मक्के के लोगों ने फौरन मीटिंग की, मोहम्मद को तो हम रुका नहीं सके, इसको तो हम नहीं जाने, तमसी बच्ची दिमाग में दस्त क्या है दिमाग का दस्त सोई मर्जी खाई उसे नजर ये हमसे कम दो चुनियो। अब उसके बाद फिर लोग निगाह रख रहे हैं कौन से दिन रवाना हो रहा है, जिस दिन हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला ना राह सुबह सवेरे अपनी उठनी पर सवार हो गई, खानदारों का भी खदाई सवाल रख सक, और जो ही हजरत ज़ैनब आगे बढ़ी तो लड़कों ने ये सवाल ही सुना, हजरत ज़ैनब ने कहा क्यों, कहा हमारी मर्जी, वजह क्या है, कहा तुम्हारे बाप यानी जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैसी कौम से जुदार कर तब शो नौ दीन शुरू कर स्टाइम को साइन बाबूद तौही वगैरह हजार गिने शिकवे अस कराए कोशिश सु रुकावत मगर सोयो को रुके वाया कर कम से कम तुमको नहीं जाने देंगे क्योंकि तुम्हारे जाने से उनको खुशी होगी, उसकी खुशी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए तुमको नहीं जाने देंगे। हजरत ज़ैनब से कोना तुम है तो छो ना शर्म तो छो ना इंसान वैसा मस्तूरा ये बेके हिसाब बुर का क्या नहीं रुत। बहरहाल ये जुमले जब बोले हैं उनमें थोड़े से शर्मिंदा हो गए, पीछे हटे, पीछे जब जो ही पीछे हटे आ गया लोग, कुछ लोगों ने आकर के फिर कहा है खबरदार जिन दो कस मजीर उनको और वरगलाया और भड़काया वरगलाया भड़काया। हजरत ज़ैनब अकेली है ऊंटी पर सवार है, अभी कजवा भी पूरी तरह बंद नहीं किया था, कपड़ा ऊपर से ढाला नहीं था अभी ठीक। हजरत ज़ैनब इसी हाल में है, सोचती है पता नहीं जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे, जब इनको ये थोड़ा सा दान दान किया दान डपट की तो वो थोड़ी शर्मिंदा होकर पीछे हो गए, लेकिन जब पीछे हो गए उन्हीं में से ये हुबार इब्न अस्वद जो सामने आया और उसने वहां से नेजा मारा या तलवार मारी और सीधे हजरत ज़ैनब की पेट कर दिया, इसे मर चुका था, नेजा हजरत ज़ैनब के पेट पर लगा, नेजा पार हो गया, पेट सारा फट गया, वो बच्चा जो था अंदर वो भी बाहर आ गया, और वो नेजा जो है वो ऊंटनी की कमर को चीर गया, और चीरने के बाद फिर ऊंटनी भी या तो मर गई या जख्मी हो गई, हजरत ज़ैनब नीचे गिर गई, और आपको मालूम होगा ऊंट जो है वो इतना ऊंचा होता है जितनी हमारी इच्छा, वहां से नीचे गिर गई, गिरने का जख्म अलग और पेट का फटा हुआ होना अलग, बच्चा जाया हो गया वो अलग, और वहां हुजूर हजरत ज़ैनब की न मां न बहन है कोई भाई है, वालिद है वो मदीना शरीफ में, शौहर है वो अपने घर में है, इस हाल में हजरत ज़ैनब वहां गिर गई। वल्लाहु आलम, अल्लाह ताला जानते हैं किस तरह हजरत ज़ैनब वहां से उठी, इस कल बाद जिस तरह खड़ा गम अब कितन वस अब कितन कुर्स वस पन घर खानदार ने और इसी बच्चा वो बच्चे को कैसे उठाया सुकोरखा पर दफन किन्न तब इसके वांस सस्ता भी ये सारी बातें कहीं मालूम नहीं है। बहरहाल हजरत ज़ैनब फटाफट पेट लेकर सीधा जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में, मोबाइल जमाना से तभी उसका हक कर मोबाइल का जमाना नहीं था, इसलिए कुछ नहीं मालूम है हफ्ते के बाद महीने के बाद कितने दिनों के बाद जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना मेरी बेटी के साथ ये हुआ है, कुछ नहीं फरमाया जुबान से, अंदर अंदर कितना दुख हुआ होगा कितना दर्द हुआ होगा कि मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ, नेजा मारा गया उसका पेट फट गया वो बच्चा भी जाया हो गया उठनी मर गई वो नीचे गिर गई और वहां था भी नहीं कोई कौन होता वहां, उन्होंने कुछ नहीं फरमाया। कुछ अरसे के बाद यही हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला इसी जख्मी हालत में यहाँ से मदीना शरीफ पहुंची, मगर फिर वो जख्म ठीक नहीं हो सका नहीं हो सका और उसी जख्म में उनकी वफ़ात हो गई। ये है वो आदमी हुबार इब्न अस्वद
ہم جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ فتح کر کے بیٹھے ہیں ٹھیک لیکن ہم آپ کو معاف کر چکے ہیں اب آیا وہ بار انیاس حضرت کوئی وہ اسو بدبخت انسان یعنی تو اس بچی سے نہیں بول چکے میں ہوں وہ شخص جس نے آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسا کیا تھا اور اس نے فرمایا کیا اراد اور حضرت آ گئے میں جی زمین پر نے تم کر میں مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں اور معافی چاہتا ہوں دنیا کے تمام انسان صرف مسلمان نہیں دنیا کی تمام قومیں دنیا کے تمام قومی ادارے دنیا کی تمام عدالتیں دنیا کے تمام انصاف پسند دنیا کے تمام رحم کرنے والے اس صورتحال پر فیصلہ کریں کیا کرنا چاہیے وہ اس آدمی کے ساتھ کیا ہونا چاہیے تھا مگر سلام محمد رسول اللہ پر آپ مبارک اس میں تم تو معاف کر مت آج بھی میں معاف کرتا میرا کوئی گلہ نہیں کیونکہ میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا اور اس کے بعد سے کلمہ پڑھایا اور کلمہ پڑھانے کے بعد اس کو مسلمان بنایا ورنہ کہہ سکتے تھے اس سے کس کلمہ پڑھنا ہوئے تم سے کیا مسلمان کہہ سکتے تھے مگر نہ تو اس کے اسلام کو روکا اور نہ اسے کہہ سکتے تھے یہ غبار ابن اسود یہاں کیسے میرے سامنے آ گیا تو ایسا نہ گورا تھی کتنا بہت میں تھا صحابہ سے کہتے تھے تو اس وقت زندہ ہے یہ آ میں بروٹ تھا تو یہ کون کی ہے مسکر بھائی تھی صحابہ سے کچھ نہیں کرنا یہ کردار معاف کرنے کا صرف محمد رسول اللہ کی زندگی ولیعفو معاف کرنا سیکھو یہ معاف کرنا سیکھو کی یہ مثال